दुबई में अवार्ड मेला, पाकिस्तानी और बॉलीवुड सितारों की शिरकत। दुबई में फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट का मेला सजा, जिसने साबित किया कि फन की कोई सरहद नहीं होती। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मुनक्कद होने वाले इस अवार्ड शो में नामवर पाकिस्तानी और इंडियन सितारों ने शिरकत की और मुख्तलिफ कैटेगरीज के अवार्ड्स अपने नाम किए। पाकिस्तानी अदाकार हुमायूं सईद फहद मुस्तफ़ा और अदाकारा सजल अली को पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने पर अवार्ड से नवाजा गया। सजल अली ने पाकिस्तानी सिनेमा का मकबूल तरीन चेहरा का अवार्ड वसूल करने के बाद कहा कि मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मुझे कभी मौका मिले तो मैं उस एक शख्स का शुक्रिया जरूर अदा करूंगी जिन्होंने मुझ पर सबसे पहले यकीन किया और पहली बार मुझे बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म करने का मौका फराहम किया। उन्होंने बताया कि वो शख्स जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया वो हुमायूं सईद थे। अदाकारा सजल अली ने अपने करियर का आगाज 2011 में ड्रामा सीरियल महमूदाबाद की मलकाएं से किया था, जो हुमायूं सईद के प्रोडक्शन हाउस की तख्लीक था। हुमायूं सईद जब अवार्ड वसूल करने आए तो स्टेज पर उनकी इस दौरान इंडियन कॉमेडियन भारती सिंह के साथ दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। भारती सिंह ने बताया कि वो और उनके शौहर पाकिस्तान जाकर खाना खाना चाहते हैं। उन्होंने हुमायूं सईद की फिल्म लंदन नहीं जाऊंगी का हवाला देते हुए मजाक से पूछा कि क्यों नहीं जाऊंगा, वीजा नहीं लगा था या भाई अब ये नहीं कहना कि लंदन नहीं जाऊंगा, जिस पर हुमायूं सईद ने उन्हें कहा कि मैं इंडिया भी जाऊंगा। हुमायूं सईद ने अवार्ड मिलने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं गुज़िश्ता 25 सालों से काम कर रहा हूं और आप अब भी मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अदाकार फहद मुस्तफ़ा ने प्रॉमिसिंग स्टार अवार्ड अपने नाम किया और बताया कि उन्होंने बॉलीवुड अदाकार गोविंदा की वजह से अदाकारी शुरू की। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने सुपर स्टार ऑफ डिकेड अवार्ड अपने नाम किया और इस मौके पर वो जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिर तक तफरी फराहम करता रहूँगा। अदाकारा जाह्नवी कपूर को द रियल यूथ आइकन से नवाजा गया, जबकि बिग बॉस 13 से शौहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली इंडियन अदाकारा और गुलुकारा शहनाज गिल ने राइजिंग स्टार अवार्ड हासिल किया, जिसे उन्होंने आनजहानी अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला के नाम किया। अदाकारा वानी कपूर को गेम चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, जबकि बॉलीवुड की लेजेंडरी अदाकारा हेमा मालिनी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। रणवीर सिंह और सनी लियोन ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हर मुख्तलिफ न्यूज़ अपडेट के लिए iNews 365 को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर खबर रहे आपकी नज़र में।